हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदितिस फीस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी और हेल्दी गुड़ का हलवा, जो बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है। एक कप गुड़ के हिसाब से मैंने 3 कप पानी लिया है। गुड़ मेल्ट होने तक हमें इसे बॉइल करना है। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी, बस गुड़ को मेल्ट करेंगे। सूजी को रोस्ट करने के लिए हम पैन में डालेंगे 1/2 कप देसी घी। घी अच्छे से गर्म होने के बाद डालेंगे 1 कप बारीक सूजी। सूजी और घी को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट करना है। सूजी को हमें हल्का गोल्डन कलर आने तक कंटिन्यूसली चलाते रहना है, ताकि सूजी नीचे लगे ना। यहाँ हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है और सूजी का कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रफली चॉप बादाम, काजू और किशमिश। आप आपके पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। सूजी और ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ गुड़ भी पानी में अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब सूजी में ऐड करेंगे गुड़ का पानी। यहाँ मैं पानी को स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम गुड़ के पानी को ऐड करेंगे और साथ ही हलवे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने गुड़ की चाशनी को स्ट्रेन करके इसलिए ऐड किया है, ताकि गुड़ के सारे इम्प्यूरिटीज निकल जाए। 2 से 3 मिनट के लिए हलवे को लीड से कवर करेंगे। अब ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया हमारा गुड़ का हलवा रेडी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।